दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में एक ऐसी घटना है जो दर्शकों को आंसू आने पर विवश कर देती है। उन्हीं घटनाओं में से एक है राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन क्या आपको पता है कि राम जैसे चक्रवर्ती राजा, ऐसे महान राजा को आखिर वनवास क्यों दिया गया? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, रामायण की कथा के अनुसार कीकई की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा था, लेकिन यह मात्र एक ऐसा दृश्य है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण और रामचरितमानस को दोनों को पढ़ा और समझा हो। कीकई ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत से अधिक प्रेम दिया था। कभी भी कीकई ने श्री राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वह हैरान हुए थे कि माता कीकई ऐसा कैसे कर सकती है। सच भी यही था कि कीकई ने यह जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण का वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कीकई की दासी मंत्रा की मति फेर देती है। मंत्रा आकर कीकई का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हट करना चाहिए। मंत्रा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंत्रा की बातें कीकई की मति को फेरने के लिए काफी थी। कीकई ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया था। राजा दशरथ जब कीकई को मनाने पहुंचे तो कीकई ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया था। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था। राम वनवास का संबंध में एक सांप से भी। कथा के अनुसार नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जगी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और उनसे हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है और वानर भी। भगवान ने नारद को वानर का मुख दे दिया था, इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और वानर की सहायता से ही आपका पुनः मिलन होगा। दोस्तों, इस श्राप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवा और सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान श्री राम। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, हो ही वही जो सोई जो राम रच राखा। यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, अहिल्या और सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। दोस्तों, अब तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि आखिर भगवान श्री राम को वनवास क्यों जाना पड़ा था।